ट्रैक्टरों की उनकी नकल करते लाए। अब हाइब्रिड बीज हम लाए यूरोप से, सबसे पहले अमेरिका से लाए, फिर यूरोप से लाए हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज की विशेषता क्या है कि हाइब्रिड बीज का कोई भी पीक छोटा रहता है, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। हमने छोटा पीक लगाना शुरू कर दिया, सोचा नहीं कि पीक जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जानवरों के लिए भी। तो हाइब्रिड सीड लाए, अब हमारा पीक तो छोटा रह गया। पहले पीक इतना ऊंचा होता था, गेहूं का जो पौधा होता था वो करीब करीब 8-10 फीट होता था, अब हमने उसको 2-2.5 फीट कर दिया। तो गेहूं का जो स्टेम पार्ट है, तना, वो कम हो गया, तो पौधों का जानवरों के लिए उपयोग कम हो गया, तो जानवरों के लिए फॉडर कम हो गया। अब जानवरों के लिए फॉडर कम हो गया तो जानवरों की भूखे मरने की नौबत आई, तो हमने उनका कत्ल करना शुरू कर दिया क्योंकि फॉडर नहीं है हमारे पास। हमने अकल नहीं लगाई कि ये जो हाइब्रिड सीड है ये हमारे काम का नहीं है, ये यूरोप के काम का है जहां पर जानवर बहुत कम होते हैं। भारत में जहां मनुष्यों के बराबर जानवर होते हैं वहां तो पी ऊंचा ही होना चाहिए ताकि आप भी खा सकें, जानवरों का भी पेट भर सके। ये विदेशीकरण की मानसिकता, ये गड़बड़ है। नकल करना, अंधाधुंध तो नकल करना, बिना सोचे समझे यूरोप और अमेरिका को फॉलो करने की कोशिश करना। हम नहीं कर रहे,